अभी हम लोग मॉर्निंग में जस्ट उठे, फ्रेश हो के नहा धो के रेडी हो गए। अभी हम लोग कल रात को द्वारका हम लोग लेट पहुँचे, काफ़ी थक गए थे, तो इसीलिए हम लोग वीडियो बना नहीं पाए। आके सीधा होटल बुक किया और सो गए। अभी हम लोग अभी निकलते हैं दर्शन के लिए। अभी पहला फर्स्ट तो ब्रेकफास्ट करते हैं बाहर जाके, कुछ देखते फिर जाते दर्शन के लिए। अभी कैसा प्लान होता है पता नहीं। दर्शन के लिए द्वारका फर्स्ट हम लोग द्वारका दर्शन करेंगे, नहीं तो आके यहाँ पर दर्शन करेंगे, पहला बेट द्वारका जाके आएंगे। अभी लेट्स सी, देखते कैसा शेड्यूल बैठता है। यहाँ पर 8 o'clock की एक बस है जो हम लोग को नियरेस्ट फाइव प्लेस मतलब लेके जाएंगी। अभी वो उस पर हम लोग बैठ जाते हैं, तो वो पर एक बस पर पर्सन का 120 लेता है। तो नियरेस्ट पर आपको पूरा द्वारका में बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव टेम्पल आपको लेके जाएंगे। द्वारका के दर्शन के लिए आप नागेश्वर, गोपी तालाब, बेट द्वारका, लक्ष्मी मंदिर। ऐसी बस मिलेगी 120 रुपीज में, आपको द्वारका दर्शन कराएगी। 42 सीटर की बस है, आप देख सकते हो। हम लोग जस्ट रुक्मणी टेम्पल आ चुके हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है। ये हम लोग का फर्स्ट प्लेस है जो हम लोग ने को बस वाला लेके आया, ये फर्स्ट प्लेस। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नागेश्वर महादेव टेम्पल। ये भी एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, पर इसमें कैसा स्टोरी है कि कोई 50% पर्सन बोलते ये ज्योतिर्लिंग है, कोई 50% बोलता नहीं है, सब लोग ही मानता है। पर काफ़ी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और महादेव का एक काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है, आप भी आ सकते हो, देख सकते हो, मंदिर काफ़ी अच्छा है।
टेम्पल में ये एक मूर्ति है जो 85 फुट की मूर्ति है शिव जी की, काफ़ी अच्छी मूर्ति है शंकर भगवान की। आप देख सकते हो 85 फुट की स्पीड की मूर्ति है, मेरे पीछे आप देखो, बहुत ही सुंदर मूर्ति है बड़ी लगभग। और ये टी सीरीज़ के फाउंडर ने गुलशन कुमार ने स्टैचू को बनाया गया था। जस्ट ओखा के पोर्ट पे हम लोग पहुँचे हैं। अभी यहाँ से एक शिप का चार्जिस है कुछ 20 रुपीज़ बेट द्वारका के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका कृष्णा नगरी में। अभी वहाँ से आपको हो सके तो मैं जितना हो सके उतना शूट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे बर्ड्स है। बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी हम लोग यहाँ से एक शिप लेंगे जाएंगे और आपको थोड़ा व्यू ओशन व्यू भी आपको दिखा दें। जस्ट हम लोग अभी बोट पे अभी बैठ गए हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ लिया है यहाँ पर बेट द्वारका के लिए। अभी आप देख सकते हैं फ्लैमिंगो, कितने अच्छे से फ्लैमिंगो है यहाँ पर शिप के यहाँ। यहाँ से लगभग 20 से 30 मिनट्स लगेंगे हम लोग को बेट द्वारका पहुँचने के लिए। और काफ़ी अच्छा व्यू है और मेरे को अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लगभग ये शिप में 150% को ये लोग बिठाएंगे। फिर जैसे 150 हो जाएंगे वैसे ही शिप निकल पड़ेगी अपने बेट द्वारका के लिए। अभी जस्ट हम लोग ओखा पोर्ट पे हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। पैरों को देख सकते हो अपने पैरों से शिप चलाता हुआ, हाथ पैर बांधता हुआ, हाथ देखो उसके पैरों से वो शिप चला रहे हैं भाई। बस
गाइस हम लोग अभी पहुंच गए बेट द्वारका। यहाँ से हम लोग जाएंगे वॉकिंग बाय वॉकिंग मंदिर की तरफ, कृष्णा भगवान का मंदिर की तरफ। यहाँ पर माना जाता है कि द्वारका जो है वो उनका लाइक ऑफिस जैसा है, और यहाँ पर वो रेस्ट के लिए आया करते थे कृष्णा भगवान। यहाँ पे इनका घर था, यहाँ पर रेस्ट के लिए आया करते थे। तो लेट्स सी, जाएंगे अभी थोड़े वॉकिंग करते करते पहुँच के आपको मैं दिखा से, मंदिर में तो अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, पर बाहर से आपको व्यू दिखा दूंगा कैसा मंदिर है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा बेट द्वारका का पोर्ट है, काफ़ी अच्छा है। आप भी आइए कभी, सोचिए गुजरात और ट्रैवल करो तो द्वारका से बेट द्वारका ज़रूर आना। आरती होते होते होली खेली है, देख सकते हैं आप होली बेट द्वारका की, बहुत अच्छी तरह से होली खेली है। अभी हम लोग शिवराज बीच करके पहुंच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी क्रिस्टल ब्लू वाटर है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वाटर है। ये लगभग द्वारका से 10 किलोमीटर दूर है शिवराज बीच। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा है, और सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। बनाना राइड हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ पर। फिर आपको कैमल राइड भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा मेरे को बीच लगा ये। आप भी आओ, इन्जॉय करो, और गोवा से बेटर, गोवा के जैसे ही एकदम फील आएगा आपको। एकदम क्रिस्टल ब्लू है पानी, ब्लू आप देख सकते हो। मैं अच्छे से आपको थोड़ा अंदर से व्यू दिखा दूंगा वाटर का काफ़ी एकदम ब्लू वाटर है। तो आप विजिट करना, आप गुजरात में रहते हो खास करके, गुजरात में रहते हो तो कभी द्वारका आओ तो आप शिवराज बीच पर ज़रूर आना, क्योंकि ये बीच का काफ़ी अलग ही बीच है, आपको ये गुजरात में देखने नहीं मिलेगा, इससे सुपर बीच नहीं देखने मिलेगा। और ब्लू है, सब कुछ अच्छा है, आप इंजॉय करो। द्वारका से बस खाली 10 किलोमीटर दूर है ये, आप आ सकते हो, और हाफ़ डे आपके पास हाफ डे है तो इंजॉय करके जा सकते हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाएगा इधर, पैरा सीलिंग है, आपको वाटर राइड है, बम्पर राइड है, बहुत कुछ है यहाँ पर। फिर आपको शिपिंग करनी है, काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको, और काफ़ी इंजॉयमेंट करोगे।
छोड़ के अभी चलने का समय आ गया है। अभी हम लोग निकल रहे द्वारका की तरफ। बहुत अभी पैर मार लिए, अभी बहुत थक गए। अभी द्वारका की तरफ निकलेंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे एक बार और वहाँ का भी थोड़ा व्यू मेरे को ऐसे दिखाना था। कल रात को हम लोग लेट पहुँचे थे, इसके लिए मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया। तो आके गांड फट गई है, तो अभी रेगिस्तान में आ गए। तो अभी हम लोग अभी जाने का सोचे, अभी जाएंगे इधर से द्वारका, इधर से 10 किलोमीटर दूर, फिर निकलेंगे अहमदाबाद के लिए द्वारका दर्शन करके, बस बुक करके फिर घर। बाय बाय।